एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो काफी वायरल है और इस पर दिल्ली में काफी राजनीतिक क्लेश मचा हुआ है। यह तस्वीर दिल्ली की नई सीएम आतिशी की है। वो पैक्ड सामान और कार्टन से भरे कमरे में एक सोफे पर बैठकर कुछ फाइल्स पर साइन कर रही हैं और इसी दौरान मोबाइल से बात भी कर रही हैं। 20 सेकंड का यह वीडियो दिल्ली के सीएम ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री से उसका दिल्ली की जनता द्वारा दिया हुआ घर छीन लिया। आज हमने इस आवाज पर मचे क्लेश पर सत्ता की राजनीतिक कुंजी बनाई है, जिसे देखकर आपको ये समझ आएगा कि दिल्ली के जिस आवास में अरविंद केजरीवाल रहते थे वो क्यों चर्चा में है और उस पर क्लेश क्यों मचा हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद फ्लैगस्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 खाली कर दिया। इसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि नई सीएम आतिशी इस बंगले में रहेंगी। इस बीच कल सीएम आतिशी का कुछ सामान इस बंगले में ले जाया गया। दावा है कि इसी दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने इस बंगले की चाबी ले ली, जिसे सीएम आतिशी का सामान वापस उनके पुराने घर पर पहुंचाना पड़ा और इसी सामान के बीच बैठकर वो फाइल साइन कर रही हैं। अब इस खबर में राजनीतिक क्लेश कहां मचा हुआ है ये समझिए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी एक चुने हुए मुख्यमंत्री से उसका दिल्ली की जनता द्वारा दिया हुआ घर छीन रही है। बीजेपी का कहना है कि आतिशी बिना अलॉटमेंट के उस आवास पर कब्जा जमाना चाहती हैं। आप कह रही है कि यदि अलॉट नहीं हुआ तो उनको चाबी कैसे सौंपी गई, उनका सामान कैसे पहुंचा। बीजेपी कह रही है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड सीएम आवास नहीं है, इस बंगले की मालिक पीडब्ल्यूडी है। आप ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर एलजी मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। ऐसे में आतिशी दो दो घरों पर कब्जा जमाना चाहती है। आपने आरोप लगाते हुए ये तक कहा कि बीजेपी ने नवरात्र में एक महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके घर से फेंकवाया है, जबकि बीजेपी ने कहा कि बिना प्रक्रिया आतिशी आवास में रहना चाहती हैं, इस बंगले को आम आदमी के लिए खोल देना चाहिए। सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज बीजेपी और एलजी पर उनसे घर छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है। जबकि बीजेपी कह रही है कि जिस बंगले में अरविंद केजरीवाल रहे वहां कैसा भ्रष्टाचार हुआ, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। कुल मिलाकर दोनों तरफ से बयानों की बरसात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाती, तो अब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह से मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा दोष ही, हमें क्या लेना है, वो पीडब्ल्यूडी का प्रेरोगेटिव है। लेकिन आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और कानून तोड़कर घुसने का काम करेंगे और खुद एक नई नवेली मुख्यमंत्री जो मथुरा रोड पे एक बंगले की मालिक है, तो एक ही व्यक्ति दो बंगले कैसे ले सकता है। मूल मकसद यह है कि शीश महल आप लोग ना देख पाए, इसलिए ये सारा खेल रखा जा रहा है। पत्र है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया फिकवाया। शीश महल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कराया जाना चाहिए और इस बात का पता लगा जाना चाहिए कि किस तरह बर्बादी का खेल अरविंद केजरीवाल ने अपने विलासिता के लिए रचा है। दिल्ली के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा किस बेदर्दी से लुटाया गया है, अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए। बहुत शर्मनाक है कि इस तरीके से एलजी दफ्तर द्वारा इन कामों के अंदर समय व्यर्थ किया जा रहा है। वो समय व्यर्थ कर रहे हैं, उनको दिल्ली के अंदर जो एलजी बनाया गया काम के लिए बनाया गया। थोड़ा पुलिस देखो, गैंगस्टर्स को देखो, ये सब करो, किन कामों में लगे हुए हैं आप। दरअसल दिल्ली में सीएम का कोई आधिकारिक हाउस नहीं है। अरविंद केजरीवाल से पहले जो भी सीएम हुए वो अलग अलग बंगलों में रह चुके हैं। 1993 में मदन लाल खुराना 33 श्यामनाथ मार्ग में रहते थे। उनके बाद साहिब सिंह वर्मा 9 श्यामनाथ मार्ग में रहे। शीला दीक्षित को पहले AB 17 मथुरा रोड वाले बंगले में रहने को मिला। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वाले बंगले को अपना घर बनाया। अरविंद केजरीवाल पहली बार सीएम बनने के बाद सेंट्रल दिल्ली के तिलक लेन वाले घर में रहे।
फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला तो वो उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित आवास में शिफ्ट हो गए थे, जिस पर आज सत्ता का क्लेश मचा हुआ है।